और इस वक्त की लेटेस्ट न्यूज जानिए, जापान में भूकंप के तेज झटकों को लेकर खबर बड़ी है। जापान में एक के बाद एक दो झटके महसूस किए गए हैं और जापान में 6.9 और 7.1 तीव्रता के भूकंप को लेकर खबर आ रही है। जापान में भूकंप के बाद सुनामी का भी अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल ये लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने। टोची, इहमे, कागुशिमा और आयता में सुनामी के अलर्ट को लेकर खबर सामने आ रही है। तो जापान में 7.1 तीव्रता के भूकंप को लेकर खबर और साथ ही सुनामी का अलर्ट। आपको बता दें क्यूशू शहर में जमीन से 8.8 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र बताया जा रहा है और भूकंप के दौरान की ये तस्वीर अब आपके सामने, मॉल और दफ्तर की वो तस्वीर जिसमें ये साफ नजर आ रहा है कि कैसे भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। मियाज़ाकी, कोशी, ओयटा, कागुशिमा और इहिमे शहर जहां पर सुनामी की एडवाइजरी भी जारी की गई है और इससे पहले 1 जनवरी को जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। हालांकि उस दौरान 318 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा लोग की मौत की खबर भी आई थी जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब जनवरी के बाद एक बार फिर से ये खबर सामने आ रही है जब जापान में एक के बाद एक दो जोरदार झटके महसूस किए गए हैं और 7.1 इसकी तीव्रता बताई जा रही है जबकि 6.9 दूसरे भूकंप की तीव्रता थी। बैक टू बैक आए इन झटकों के बाद अब ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और खबर है कि सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।